हेलो दोस्तों, इस बार होने जा रहे हैं पर ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत के बीच में एक महा मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, अगली बॉल ये क्या बोलती है, पॉन्स बॉल, डिफेंस, अच्छा डॉट बॉल जाने दिया। जी हाँ दोस्तों, ये अच्छी बॉल, यहाँ पर पॉन्स बॉल जरूर थी, नहीं पड़ पाए वहाँ पर बल्लेबाज। क्या ही बॉलिंग हो रही है आज, ये बेहतरीन बॉलिंग। जी हाँ दोस्तों, सुमन गिल यहाँ पर 5 बॉल पर 10 रन बनाकर खेल रहे हैं 23 बॉल पर। ये भी अगली बॉल यहाँ पर बेहतरीन डिफेंस यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, 1 रन के लिए भागे जरूर हैं और ये टाइम पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर सुमन गिल। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन विकेट बचाइए, लाजवाब रन रेटिंग यहाँ पर चेज करेगी भारतीय टीम। क्या लगता है दोस्तों, आज इस मैच को जीत पाएगी, देखने वाली बात होगी। यहाँ पर सुमन गिल तैयार इस बार अगली बॉल का सामना करेंगे यहाँ पर, ये जानते हैं बल्लेबाजी करना। जी हाँ दोस्तों, 22 बॉल पर 63 रन की दरकार, इस बार तैयार है बल्लेबाजी। छोटी बॉल, बेहतरीन छक्का, ये बेहतरीन फॉर्म में। जी हाँ दोस्तों, क्या शॉट था ये, जी हाँ दोस्तों, लाजवाब बल्लेबाज यहाँ पर, बेहतरीन छक्का जाता हुआ। सुमन गिल इस बार तैयार अगली बॉल का सामना करेंगे, इस बार ये अच्छी बॉल यहाँ पर, बेहतरीन शॉट। जी हाँ दोस्तों, लाजवाब कवर ड्राइव, बेहतरीन शॉट, ये 4 रन के लिए जाता हुआ, बढ़िया बल्लेबाज यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, सुमन गिल आज रन आउट से बचे थे और अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर, क्या शॉट थे, अच्छा डिफेंस यहाँ पर सुमन गिल। जी हाँ दोस्तों, सुमन गिल 7 बॉल पर 20 रन बना के खेल रहे हैं आज। विराट यहाँ पर, रोहित शर्मा ऐसे खेलते हैं लेकिन आज सुमन गिल करके दिखा रहे हैं, जो कि ये बेहतरीन बॉल बार, ओ ये तो स्टंप उड़ा दिए, स्टंप भी गैर कर दिया पर सुमन गिल के। जी हाँ दोस्तों, ये बेहतरीन बॉल अंदर की तरफ आई, यॉर्कर कर बॉल और सुमन गिल के स्टंप गायब, बेहतरीन बॉल यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलती है, बोल्ड मारा है सुमन गिल को, बहुत ही अच्छी पारी खेल करके यहाँ पर 8 बॉल पर 20 रन की। जी हाँ, छोटी पारी थी लेकिन वहाँ पर बॉल नहीं बिगाड़ी, अच्छी बल्लेबाजी कर करके। विराट कोहली आए यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, किंग कोहली जरूर आए। क्या लगता है दोस्तों, आज ये बेहतरीन बॉल थी वो, जिस बॉल पर वो आउट हुए थे वहाँ पर ही अच्छा शॉट है, बेहतरीन शॉट, इस बार फील्डर के बीच से निकला है लाजवाब शॉट 4 रन के लिए। विराट कोहली का कवर ड्राइव, बेहतरीन शॉट यहाँ पर, जैसे बल्ले से निकली और गैप में जाता हुआ शॉट। जी हाँ दोस्तों, अच्छी बल्लेबाजी है, मैथन कैल्टर लाया गया। जी हाँ दोस्तों, मैथन कैल्टर ने ली, इस बार आते हुए सामना करेंगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बल्लेबाजी है, बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर, ओ ये क्या शॉट है, ये बेहतरीन शॉट, इस बार अच्छा डिफेंस, थोड़ी सी बल्ला घुमाया और ये रन कंप्लीट यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी करते हो यहाँ पर, 17 बॉल पर 48 रन की दरकार भारतीय टीम को। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली मौजूद जरूर है, दोनों ही बल्लेबाजी अच्छी करना जानते हैं। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली तैयार अगली बॉल का सामना करेंगे यहाँ पर विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, ये अच्छी बल्लेबाजी इस बार, ये अच्छा शॉट है, फुल टॉस की तलाश, ये बेहतरीन छक्का, जैसे बल्ले पाई और 6 रन जड़ दिए यहाँ पर, ये अच्छी बल्लेबाजी। 16 बॉल पर 42 रन की दरकार भारतीय टीम को जीतने के लिए, ये फुल टॉस बॉल थी लेकिन इस फुल टॉस पर जड़ा, बेहतरीन छक्का यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही बल्ले से निकली रफ्तार बना कर गए 6 रन के लिए, क्या बात है, अच्छी फॉर्म में ये टीम, 16 बॉल पर 42 रन की दरकार यहाँ पर। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली मौजूद जरूर है इस बार, ये अगली बॉल यहाँ पर यॉर्कर की तलाश है, बेहतरीन कट शॉट यहाँ पर, बेहतरीन टाइमिंग और ये चौका। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं आज, भारतीय टीम को बिल्कुल भी किसी भी तरह हारने नहीं देंगे क्योंकि वो जानते हैं बल्लेबाजी करना। क्या शॉट था, क्या टाइमिंग थी, क्या बीच बल्ले से निकली है, बेहतरीन शॉट, 4 रन के लिए जाता हुआ यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, ये भारतीय टीम आज अच्छी बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी विराट कोहली द्वारा, 15 बॉल पर 38 रन की दरकार यहाँ पर भारतीय टीम को। जी हाँ दोस्तों, इस बार ये यॉर्कर की तलाश यहाँ पर, बेहतरीन हवा में, ओ फील्डर से थोड़ी दूर थी लेकिन वहाँ पर रन आसानी से कंप्लीट किया, इस बार ये अच्छी यॉर्कर थी, बल्ले पाई नहीं थी, वहाँ पर हवा में उड़ी थी वो बॉल लेकिन विराट कोहली बच चुके हैं उस बॉल पर। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा अच्छा यार इस बार, 14 बॉल पर 37 रन की दरकार भारतीय टीम को, विराट बाउंड्री की दरकार होगी इस बॉल पर। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन शॉट यहाँ पर, क्या शॉट है, 1 रन के लिए खेला है ये, बेहतरीन यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट की है, बेहतरीन बॉल थी, अच्छी बॉल, अच्छी बॉल को सिर्फ टाइम डिफेंस करने के लिए देखा वहाँ पर, 13 बॉल पर 36 रन की दरकार यहाँ पर। इस ओवर की लास्ट बॉल है, सामना करेंगे यहाँ पर किंग कोहली। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली ये यहाँ पर नहीं लेगी यहाँ पर लास्ट बॉल,
इस ओवर की जी हाँ दोस्तों, ये बेहतरीन बॉल पर हवा में बाल बाल बचे और रन के लिए भागे हैं और ये विकेट दे बैठे। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली रन आउट के तौर पर यहाँ पर जाते हुए बाहर, पवेलियन का रास्ता दिखा दिया गया। विराट कोहली को बेहतरीन बॉल थी लेकिन ये हवा में बॉल थी, थोड़ी सी दूर थी फील्डर से। वहाँ पर विराट कोहली थोड़ी सी चार बॉल पर लड़खड़ाए थे लेकिन फिर भी रोहित शर्मा ने स्ट्राइक गलत दी उनको। केएल राहुल आ चुके हैं यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, एंट्री टाइप केएल राहुल को बॉलिंग करेंगे। केएल राहुल जो कि दो विकेट चटक चुकी हैं, 12 बॉल पर 36 रन की दरकार यहाँ पर है और ये बेहतरीन बॉल इस बार। ओ क्या डॉट है। जी हाँ दोस्तों, रन के लिए भागे हैं और ये रन कंप्लीट यहाँ पर। रोहित शर्मा डॉट बॉल पर भागे थे और ये रन कंप्लीट कर लिया है ये। हाँ बिना बात के चार रन मिले यहाँ पर। ओ सॉरी, एक रन मिला है। जी हाँ दोस्तों, क्या बॉल थी ये, केएल राहुल नहीं समझ पाए थे इस बार। रोहित शर्मा को अपनी ताकत का अंदाजा आप पता चलेगा इस बार। आई बल्ले पर बेहतरीन शॉट है, बहुत तेज है। रोहित शर्मा मौजूद थे, शांत थे, बल्ले पर अच्छी आई नहीं थी इस बार। आइए बेहतरीन बॉल और वहां पर 6 रन जड़ दिए पूरे के पूरे रोहित शर्मा ने। फुल टॉस थी इसको सिर्फ हवा पे हवा में लहरा दिया। जी हाँ दोस्तों, जमीन पे भी नहीं टेका, वहां पर पूरे के पूरे 6 रन मिले भारतीय टीम को। आज ऐसी बल्लेबाजी कर रही है दोस्तों। 30 बॉल पर 29 रन की दरकार यहाँ पर, सॉरी 10 बॉल पर 29 रन की दरकार। ये अगली बॉल यहाँ पर एक और हवा में शॉट है, कोई फील्डर मौजूद नहीं थी सामने। एक और बेहतरीन ऊंचा और ये छक्का। ये बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर भारतीय टीम की देखने को मिली। आज हम ऐसी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर विराट कोहली एंड विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा एंड रोहित ही शर्मा। जी हाँ, क्या सौंटता है बीच बल्ले से निकली यहाँ पर, रफ्तार बना कर गया ये 6 रन के लिए। पूरे के पूरे 6 रन जट दिए यहाँ पर, ये अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, 9 बॉल पर 23 रन की दरकार है भारतीय टीम को जीतने के लिए। रोहित शर्मा सामना कर रहे हैं अपने एंट्री टाई का इस बार। ये अच्छी बॉल यहाँ पर, बेहतरीन शॉट यहाँ पर, स्टंप को उड़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, रन के लिए भागे और ये रन कंप्लीट यहाँ पर, बेहतरीन रन रेटिंग यहाँ पर। ये लाजवाब बॉल थी यहाँ पर, डालकर विकेट के ऊपर लगी थी वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, इस बार केएल राहुल एंड रोहित शर्मा 8 बॉल पर 22 रन की दरकार यहाँ पर भारतीय टीम को जीतने के लिए इस बार। बेहतरीन बॉल, जी हाँ दोस्तों, क्या बॉल थी, केएल राहुल को डॉट बॉल खिलाई, बेहतरीन डॉट बॉल ये। जी हाँ दोस्तों, 7 बॉल पर 22 रन की दरकार यहाँ पर। केएल राहुल ने 2 बॉल दोनों के दोनों डॉट खेल लिए हैं इस बार। ये बड़े शॉट की तलाश यहाँ पर, रोहित केएल राहुल ने घुमाया और ये 6 रन जड़ दिए। क्या शॉट है ये, अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर। जैसे ही बल्लेबाजी आई यहाँ पर, बेहतरीन शॉट ये जाता हुआ गैप में, अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, मार्केज स्टोइनिस को लाया गया है, रोहित शर्मा सामना करेंगे। 6 बॉल पर 16 रन की दरकार है, पूरी की पूरी फील्डिंग चेंज हो चुकी है क्योंकि ये ऑफ पे बाहर रखेंगे बॉल, लेकिन ये बल्ले पे अच्छी आई है इस बार। पहली बॉल पर ही दबाव बॉलर पर, जी हाँ दोस्तों, लाजवाब छक्का। पहली बॉल पर ही 6 रन जड़ दिया पर रोहित शर्मा ने, अच्छी आई थी बल्ले पे थोड़ी की, बेहतरीन बॉल यहाँ पर रोहित शर्मा ने, कोई गलती नहीं की, बीच बल्ले से निकला है शॉट, रफ्तार बना कर गया 6 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाज यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, ये इस बार तैयार है, 5 बॉल पर 10 रन की दरकार है भारतीय टीम को जीतने के लिए। क्या लगता है दोस्तों, बना पाएगी ये टीम भारतीय? खुद कैप्टन मौजूद यहाँ पर, ये अच्छा शॉट है यहाँ पर, फील्डर मौजूद जरूर है। 1 रन के लिए खेला है और आसान से मिल चुका है वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, 4 बॉल पर 9 रन की दरकार है यहाँ पर भारतीय टीम को जीतने के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए, जी हाँ दोस्तों, अच्छी फॉर्म में यहाँ पर इस बार तैयार है। 4 बॉल पर ये करेंगे, क्या लगता है दोस्तों, 9 रन बना पाएंगे 4 बॉल पर? ये अच्छी बॉल यहाँ पर, अच्छा शॉट है इस बार केएल राहुल का, बेहतरीन बल्ले से निकला 4 रन के लिए जाता हुआ। 3 बॉल पर 6 रन की दरकार, जी हाँ दोस्तों, 3 बॉल पर 5 रन की दरकार, ये लाजवाब शॉट था। क्या टाइमिंग थी, केएल राहुल ने कोई गलती नहीं की वहां पर। जी हाँ दोस्तों, अच्छी बल्लेबाजी, 3 बॉल पर 5 रन की दरकार यहाँ पर भारतीय टीम को। ये अच्छा शॉट इस बार जाकर लगे बल्ले पे लेकिन अधूरी किनारे पर, 2 बॉल पर 5 रन की दरकार यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल सामना करेंगे इस बार स्टोइनिस का। स्टोइनिस अच्छी बॉलिंग करना जानते हैं, वहाँ पर बेहतरीन बॉलर है इस बार। थोड़ी सी बाहर की तरफ आई, ये नहीं पड़ पाया इस बॉल को, वाइड करा दी जाएगी एम्पायर तरफ से। जी हाँ, नहीं ये वाइड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये खतरा मंडरा रहा है। 1 बॉल पर 5 रन, 1 बॉल पर 6 रन की दरकार होगी यहाँ पर, जीत के लिए 6 रन की और टाई के लिए 4 रन की इस बार। ये अगली बॉल यहाँ पर, बेहतरीन शॉट, ओ ये अच्छा शॉट है, मैच टाई हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये मैच टाई हो चुका है यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजी का, यहाँ पर ये मैच टाई, रोहित शर्मा एंड
सुमन गिल आए। जी हाँ दोस्तों, सुपर होने जा रहा है यहाँ पर भारतीय टीम का। क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी इस मैच को, देखने वाली बात होगी यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, ये बेहतरीन शॉट इस बार बीच बल्ले से आया है, और ये हवा में ये लाजवाब ये छक्का। रोहित शर्मा ने पहली बॉल पर 6 रन जड़ दिए यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, ये बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर, क्या शॉट है, फुल टॉस बॉल थी लेकिन फुल टॉस पर जड़ा है बेहतरीन लाजवाब छक्का बीच बल्ले से जाता हुआ रोहित शर्मा से। इस बार अगली बॉल का सामना करेंगे यहाँ पर हिटमैन। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं कितनी खतरनाक परिस्थिति में लगे खड़ा करना इस मैच को, हारना नहीं। इस बार भी तोड़ी भारतीय बॉल, इस बार भी हवा में शॉट है, इस बार भी 6 रन वाला शॉट है। जी हाँ दोस्तों, अच्छी बल्लेबाजी, 2 बॉल पर 2 छक्के जड़ दिए यहाँ पर, ये अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन फॉर्म में टीम, ये क्या बोलती यहाँ पर, गैप में शॉट खेला लाजवाब, ये हवा में था और ये पूरे के पूरे 6 रन मिले यहाँ पर डबल पर यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, 2 बॉल पर 12 रन बना दिया यहाँ पर रोहित शर्मा ने। बॉलर पर दबाव, पूरा का पूरा प्रेशर बॉलर पर है, ये बेहतरीन बॉल नहीं पड़ पाया इस बार बॉल को, ये अच्छी बॉल थी यहाँ पर। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर एम्पायर ने कही आप बहुत गलत डाल रहे हो, बहुत ज्यादा बाहर डाल दिए, ये वाइड है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा का खौफ खौफ खौफ, ये अच्छा शॉट, ये बल्ले से निकली है, ये भी गैप में, ये भी चौका है रोहित शर्मा ने। 3 बॉल पर 17 रन बना दिए यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, क्या शॉट था, ये बीच बल्ले से निकली यहाँ पर, किसी फील्डर को मौका नहीं है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर भारतीय बल्लेबाज, वो जानते हैं बल्लेबाजी करना। जी हाँ दोस्तों, इस बार ही अगली बॉल यहाँ पर डायरेक्ट स्टंप की तलाश की, और इस बार तो बीच बल्ले से हवा में उठाया है और पूरे के पूरे 6 रन जड़ दिए। जी हाँ दोस्तों, 4 बॉल पर 23 रन बना दिए यहाँ पर भारतीय टीम ने। क्या लगता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया चेज कर पाएगी, क्योंकि अभी तो 2 बॉल बाकी है, 2 बॉल पर भी 2 छक्के लगा पाएंगे रोहित शर्मा, इनके पास ताकत है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बॉलिंग भी अच्छी है, बॉलिंग यहाँ पर ब्रेंड रॉफ कर रहे हैं, वो जानते हैं बॉलिंग करना। अगर एक बॉल स्टंप पर आई तो आपकी स्टंप उड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ये गलती नहीं कर रहे हैं स्टंप की, स्टंप तो करना ही नहीं है, ये बेहतरीन चौका। जी हाँ दोस्तों, ये रोहित शर्मा जानते हैं कि कैसी बल्लेबाजी करना है, अगर स्टंप पर डालेंगे तो लंबा छक्का जाएगा। ये यहाँ पर बॉलर पर खतरा यहाँ पर मंडराता हुआ, क्या शॉट था, ये लेग में खींचा पूरा का पूरा उस बॉल को, लेकिन लेग में नहीं आई वहाँ पर, लेग के ऊपर से गया 4 रन। जी हाँ दोस्तों, स्क्वायर ऑफ में बढ़िया चौका, ये लास्ट बॉल इस ओवर की, सुपर ओवर की लास्ट बॉल यहाँ पर रोहित शर्मा तैयार, इस बार बेहतरीन बड़ा परारण की शॉट, बड़े शॉट की तलाश यहाँ पर, जड़ दिया बेहतरीन छक्का। जी हाँ दोस्तों, 33 रन टारगेट 34 रन का दिया है, जो कि बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये लास्ट बॉल पर क्या छक्का मारा था यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, इतनी खराब बॉल नहीं थी, लेकिन वहां पर खराब बॉल बनाई रोहित शर्मा ने, और अब पारी आ चुकी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम की। दोस्तों क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया टीम बना पाएगी, देखने वाली बात होगी यहाँ पर, ये तो 2 बॉल में डिसाइड हो जाएगा कि बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, एक ही बॉल पर डिसाइड हो जाएगा। ये बेहतरीन बॉल है, बहुत बाहर है, ये पहली बॉल यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत खराब सॉरी, ये कैसी बॉल है, ये तो वाइड एम्पायर नो बॉल ना देते, ये बेहतरीन बॉल और ये वाइड करा दी गई एम्पायर तरफ से। जी हाँ दोस्तों, वो क्या बॉल थी, ये कुछ समझ में नहीं आया हमें, ये जसप्रीत बुमराह ने कैसी डाली पहली बॉल, ये अगली बॉल ये भी बहुत बाहर है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 2 बॉल पर 2 दोनों की 2 वाइड। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कुछ अलग ही यहाँ पर डिलीवरी कर रहे हैं बुमराह। इस बार अगली बॉल यहाँ पर सामने करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बेहतरीन बल्ले पे आई है, ये बल्ले पे अच्छी आई है, और ये पहली बॉल पर यहाँ पर दबा हुआ चुका है, वो तो साफ साफ दिख रहा था कि 2 बॉल डॉट डाली थी। जी हाँ दोस्तों, एक बॉल पर 6 रन आ चुके हैं यहाँ पर, ये अच्छी बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम भी। जी हाँ दोस्तों, ये बेहतरीन बॉलिंग करना जानते हैं ये बल्लेबाज। जी हाँ दोस्तों, बैटिंग करना जानते हैं, लेकिन बुमराह की बॉलिंग, ओ खतरनाक बॉल है, लाजवाब बॉल है, फील्डर मौजूद है लेकिन इसके पार से चौका, क्या बात है, ये अच्छी बल्लेबाजी आज देखने के लिए मिल रही है हमें। जी हाँ दोस्तों, जीत के लिए 5 बॉल पर 5 छक्के चाहिए, सॉरी 4 बॉल पर 4 छक्के, क्या शॉट थे बल्ले पे, इतनी अच्छी आई नहीं थी वहां पर बुमराह की, अच्छी बॉलिंग कराना जानते हैं बुमराह, लेकिन ये ऐसी बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है कि बुमराह उमराह की नहीं चल रही है। ओ इस बार भी बल्ले से निकली है, इस बार भी सीधा है, और इस बार भी चौका है। जी हाँ दोस्तों, पूरी पूरी उम्मीद मना ली यहाँ पर भारतीय टीम ने जीत की, लाजवाब छक्का, ये बेहतरीन शॉट यहाँ पर बीच बल्ले से निकली वो बॉल गैप में शॉट। जी हाँ दोस्तों, 3 बॉल पर 19 रन की दरकार, अगर 3 छक्के लगते हैं तो भी टाई होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीत नहीं पाएगी। बेहतरीन बॉल इस बार बुमराह की,
गैप में है और ये रोक लिया जी। हाँ दोस्तों रोक लिया है, ये बेहतरीन रन रेटिंग यहाँ पर श्रीलंका साउथ ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ये आप दो बॉल पर यहाँ पर जी हाँ दोस्तों 17 रन की दरकार, क्या लगता है बना पाएगी ये टीम, देखने वाली बात होगी। यहाँ पर बुमराह ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं, पर अगर एक भी पैर ऊपर आई ये डॉट बॉल है लेकिन ये फ्री के 5 रन मिलेंगे जी हाँ दोस्तों, फ्री के 5 रन है, ये नो बॉल है, ये दूसरी बॉन्स थी, आप भूल गए थे कि आप दूसरी बॉन्स डाल रहे हो। इस बार ये अगली बॉल यहाँ पर एक और पैरों पर गई जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन पैरों पर नो बॉल, ये लाजवाब नो बॉल थी, लेकिन यहाँ पर 4 रन जड़ दिए। बुमराह की बॉलिंग यहाँ पर खतरनाक होती है, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में, यहाँ पर एक बॉल पर 8 रन की दरकार जी हाँ दोस्तों, ये तो देखने वाली बात होगी बना पाएंगे नहीं। इस बार अगली बॉल यहाँ पर बेहतरीन शॉट है, गैप में शॉट है, फील्डर मौजूद है दिशा में। इसी के साथ इस भारतीय टीम ने इस मैच को 7 रन से जीत लिया सुपर ओवर को जी हाँ दोस्तों, भारतीय विन हो चुके इस मैच को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इंडिया वन इन सुपर ओवर। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।